सो गाइस, दिस इज़ माय ट्राइपॉड। ये देख रहे हो आप, अराउंड मैं इसे 8-9 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लगातार रेगुलर, कभी ना कभी हो ही जाता है यूज़ ये। सो गाइस, अभी 5:30 बज रही हैं और जो हमारा और व्लॉग है अभी चालू हो रहा है, क्योंकि क्योंकि हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप चाय पीजिए। चाय रेडी हो रही है। ओके, सो आई एक्सप्लेन यू कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसे बोलते हैं माउंट, ट्राईपॉड माउंट। यहाँ पर ट्राईपॉड लगता है और यहाँ पर फ़ोन फिक्स होता है और यहाँ पर ऊपर माइक लगता है, बट ये सिस्टम सही नहीं है। ओके, जो हमारा ट्राईपॉड होता है उसमें जो यहाँ पर ये वाला माउंट लगता है और माइक यहाँ ऊपर लगता है, बट इसके यहाँ पर लगाने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। तो हमें क्या कुछ अलग तरीके से सेटिंग करना है कि जो हमारा माइक है ऊपर लग जाए, बिकॉज़ जो हम अभी व्लॉगिंग कर रहे हैं बैक कैमरा से कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है। बैक से हमारा 4K 30 FPS पे हो जाता है और फ्रंट से 1080 फुल HD पे होता है, बट उसमें इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप अभी देख रहे हो ये फ्रंट कैमरा से हो रहा है और इसमें क्या बहुत क्वालिटी में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आज का ज़माना है क्वालिटी का। सो दैट्स वाई हमें इसमें चेंजेस करना है। ओके, और आपको लग रहा होगा कि मैं इतना झंझट के जगह नया क्यों नहीं परचेज़ कर ले रहा हूँ। दिक्कत यह है कि नया मैं परचेज़ करने जाऊँगा तो उसमें 500 रुपीज़ लगेगा और मैं अपने जितने भी सिस्टम हैं खुद से ही बनाता हूँ। ओके, तो मुझे क्या अपना खुद का पर्सनलाइज अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से सेट होता है, समझे मेरी बात। अगर मैं परचेज़ करूँगा तो एक ऐसा माउंट आएगा और उसके ऊपर बस इतना सा छोटा सा माउंट आएगा जिसमें हम माइक लगा सकते हैं। ओके, बट आई हैव टू मेड ऑफ माई ओन, क्योंकि वो चीज़ मेरे हिसाब से होगी और मुझे अपने हिसाब से चीज़ पसंद है। तो ये वाला मैंने अपना जुगाड़ू बनाया था और इसके पीछे हमारी ब्रांडिंग भी कर दी थी, बट ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी मुझे पता है, जब जैसे कि कोई दोस्त लोग होते हैं उन लोग उंगली करते रहते हैं तो ये निकल जाता है यहाँ से। अब इसे हमें ये इस तरीके से फिक्स करना है, तो हमें ये जो है सिस्टम इसको यहाँ ऊपर से बनाना होगा, यूँ ऐसा इसको लगाना होगा, इस हिसाब से कुछ सेटिंग होगा। तो ये लकड़ी हमें मिली है, इससे कुछ हमें करना होगा। सो गाइस, आधे घंटे की मेहनत के बाद इतना बन चुका है ये। अब इसे बस इस तरीके से ये अंदर चले जाएगा और यहाँ से हमें कट करना है, तो ये माउंट हो जाएगा। पहले मैंने क्या गलत बना दिया था, ये देखो ये बन गया है, इसमें ये परफेक्टली आ गया है, बट मैंने थोड़ी इसमें गलती कर दी। सो अपना जो बनाने का था माउंट, इसे हम पेंडिंग कर देंगे कल के लिए, क्योंकि अभी 6:30 बज गया है और हमें क्लास जाना है। ओके, और आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसके बाद पार्टी होने वाली है, पार्टी, समझे। पार्टी किसकी वो आपको आगे हम बताते हैं। सो गाइस, अभी 8:30 बज रहा है और जस्ट मैं अभी क्लास से निकला और ये हम अभी इधर पहुंच चुके हैं गंदे कुएं पे। इसको गंदा कुआ क्यों बोलते हैं वो हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी बर्थडे पार्टी में जाना है और हम आपको एक नए व्यक्ति से भी मिलाएंगे। ओके, ठीक है। वीडियो बना लो ना आपको। तो ये पंडित जी, इनकी हम बात कर रहे थे, चालू आ गए। ये देखो क्या बात है। अरे इसके डाल दो, क्या डाल दो, मीठा ना हो गया ये, दही मत डाल। अब लो
तो ये है पंडित जी जिनसे हम आपको मिलवाना चाहते थे। पंडित जी कुछ बोलिए हमारे लिए। अरे अब आप क्या बोले आप। तो देखिए यहाँ पे पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी, और अभी बस सब नीचे गए। तो ऐसा मत समझना कि आपकी ये बाहर के व्यक्ति है, ये घर के ही हैं, बस खाली ऐसा सिस्टम लगा के रखे हैं। सही बोला ना हमने? भतीजी का बर्थडे है। हाँ, इनकी भतीजी का बर्थडे है। ये पानी पूरी है, बहुत सही। और क्या क्या था? ये कटोरी चाट है ना? कटोरी चाट है, करेला है, करेला दही वड़े, आलू टिक्की है। आलू टिक्की मतलब पूरा यूपी वाला हमारा, पूरा यूपी वाला। चलिए सही है। तो जो बर्थडे था वो खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ओके, और ऐसा बर्थडे मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तो ये आ गए हमारे पंडित जी, जरा ये वैसे ले भाई, ये इनका सही लगता है, यूपी किसान है। ये खाली दिखते मतलब थोड़े हार्ड कोर है, पर है नहीं।